विद्यार्थियों, मैं आज तुम लोगों के लिए लाई हूँ तुम लोगों के पाठ्यपुस्तक आलोक भाग एक के अंतर्गत पद्य खंड के अंतर्गत जो दोहा दशक है बिहारी लाल जी के, उसके प्रश्नोत्तर। एक सही विकल्प का चयन करो। कवि बिहारी लाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? रीति काल के। कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रचन्न होने वाले मुगल सम्राट थे शाहजहां। कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ? 1663 को। श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है? मुकुट। कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है? यदुपति कृष्ण को। निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध, बताओ। का हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी लाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी है। शुद्ध। कविवर बिहारी को संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अशुद्ध। 1645 इनके आसपास कवि बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे थे। शुद्ध। कवि बिहारी के अनुसार ओछा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। अशुद्ध। कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशा ग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। शुद्ध। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है? कवि बिहारी ने मुख्य रूप से प्रेम सिंगार की दोहों की रचना की है। कविवर बिहारी किम के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए? जयपुर के महाराज जयसिंह और सोहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए। कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सच्चाई नाम से प्रसिद्ध है। किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है? कनक यानी कि सोना में कनक धतुरा से अधिक मादकता है। कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है? कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से उनके गुण अवगुण न गिनने की प्रार्थना की है। अति संक्षेप में उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे? अपनी काव्य प्रतिभा के कारण कई राज्यों से बिहारी को वृत्ति मिलने लगी। 1645 इनके आसपास वे वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे थे। वहाँ के महाराज जयसिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए। यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल का क्या भाव है? यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव यह है कि कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण को उसी रूप में अपने मन में बसाना चाहता है जिस रूप में सिर पर मुकुट, कमर में पीताम्बर धोती, हाथ में मुरली और उर में माला पहनकर श्री कृष्ण जी वेश बनाए हैं। ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई का आशय स्पष्ट करो। उपरोक्त पंक्ति का आशय यह है कि
अनुरागी हृदय की छाल काले रंग की तरह है। जिस तरह काले रंग में डूबने से कोई भी चीज उज्जवल होता है, उसी तरह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है और मन उज्जवल तथा पवित्र हो जाता है। आते पर प्राणन हरे कांटे लो लागी पाई के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। उपरोक्त पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि दुष्ट लोग अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, नम्र होते हुए भी इन पर कभी विश्वास नहीं करने चाहिए। ये अवसर मिलने पर प्राणों का हनन करते हैं, कांटे की तरह सूख सकते हैं। मन काचे नासे वृथा सासे रासे रामो का तात्पर्य बताओ। उपरोक्त पंक्ति का तात्पर्य यह है कि जो लोग कस्से मन के होते हैं, वे बेकार में ही नाचते हैं। माला जपने से, तिलक लगाने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम जी तो सस्से मन से आराधना करने से प्रसन्न होते हैं। संक्षेप में उत्तर दो। कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है? कवि कहते हैं कि अनुरागी चित्त का स्वभाव कोई नहीं समझता। यह श्याम रंग की तरह है। जिस तरह श्याम या काला रंग में डुबाने से कोई भी चीज उज्जवल हो जाता है, उस तरह कवि भी उज्जवल होता जा रहा है। अर्थात कृष्ण के श्याम रूप में कवि का मन खो जाता है और उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। सज्जन का स्नेह कैसा होता है? सज्जन का स्नेह गंभीर होता है, वह कभी निष्पक्ष नहीं होता। अर्थात उसका स्नेह सदा ही बना रहता है। जिस तरह चोल के रंगों से रंगा हुआ कपड़ा हमेशा रंगा ही रहते हैं, चाहे कपड़ा फट भी जाए तो रंग कम नहीं होता, उसी तरह सज्जन का स्नेह गहरा होता है। धन के संशय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है? धन के संशय के संदर्भ में कवि ने कहा है कि जिस तरह दुर्दशा ग्रस्त होने पर मित्र की नीति नहीं रहता, उसी तरह धन की संशय करना एक ही बात है। दुर्दशा ग्रस्त होने पर भी जो धन रखा जाए उससे लाभ नहीं होता। खाने और खर्च करने के बाद अगर बच जाए तो करोड़ों की संख्या में संशय करना चाहिए। दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है? दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने कहा है कि दुर्जन लोग हमेशा दुष्ट ही होता है, नम्र होते हुए देखकर भी उसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर मिलने पर वो हमें कांटे की तरह सूख सकते हैं, प्राणों का हरण भी कर सकते हैं। कवि बिहारी किस वेश में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं? कवि कृष्ण जी का परम भक्त है और उसको हमेशा अपने मन में बसाए रखना चाहता है। कवि अपने आराध्य कृष्ण को उसी रूप में अपने मन में बसा लेना चाहते हैं जिस रूप में सिर पर मुकुट, कमर में पीताम्बर धोती, हाथ में मुरली और उर में माला पहनकर वेश बनाए हैं।
अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से क्या निवेदन किया है? अपने उद्धार के प्रसंग में बिहारी लाल ने गोपीनाथ कृष्ण जी से यह निवेदन किया है कि गोपीनाथ जी, मेरे सित्त को आप उद्धार कीजिए, जिस तरह आप अन्य पापियों को उद्धार करते हैं। हे गोपीनाथ, आप मेरे गुण अवगुण आदि को न गिनकर मुझे सिर्फ उद्धार कीजिए। कवि विहारी की लोकप्रियता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करो। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी जी अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम सिंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी यह लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। सम्यक उत्तर दो। कवि बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय दो। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में भी आप अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम सिंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। कवि बिहारी जी की संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। बिहारी को काव्य प्रतिभा से मुगल सम्राट शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए थे। मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ कई राज्यों से बिहारी जी को वृत्ति मिलने लगी। जयपुर की राजा महाराज जय सिंह और सोहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए तथा प्रत्येक दोहे के लिए एक असर भी किसर्ट पर काव्य रचना करने लगे। उनकी ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ सच्चाई 1662 तक पूरी हुई। बिहारी सच्चाई पर एक टिप्पणी लिखो। कवि बिहारी लाल की ख्याति का आधार उनका सच्चाई ग्रंथ है, जो बिहारी सच्चाई नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। गागर में सागर भरने के समान कविवर बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में लंबी सोरी बात को भी संक्षेप में कह दी है। सरस सुमधुर और पूर्व प्रसभाषा में रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। श्रव प्रसंग व्याख्या करो। कौकोरिक संग्रह विपत्ति विदारण हन प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक के अंतर्गत कविवर बिहारी लाल जी के दोहा दशक से लिया गया है। संदर्भ। इस दोहे में भक्त कवि बिहारी लाल जी ने भगवान को ही अपनी संपत्ति माना है। व्याख्या। कवि का कहना है कि इस संसार में सभी अर्थ संग्रह करते हैं। कोई व्यक्ति लाखों में, कोई हजारों में और कोई करोड़ों की संपत्ति संग्रह करते हैं, लेकिन इतना धनवान होने पर भी उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए कवि बिहारी लाल ने यद्यपति श्री कृष्ण को ही अपना प्रधान संपत्ति माना है, क्योंकि एकमात्र भगवान यद्यपति ही है जो विपत्ति को दूर करता है।
व सर्वोपरि है। जप माला चापे तिलक सासे राचे राम। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत बिहारी लाल जी की द्वारा रचित दोहा दशक से लिया गया है। संदर्भ यहाँ कवि ने कहा है कि सिर्फ माला जप कर तिलक लगाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। व्याख्या कवि ने बताया है कि तिलक लगाकर माला जपते रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि असली रूप से भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से कर्म सेवा से भगवान की भक्ति करते हैं। माला जपना तिलक लगाना आदि कार्य तो सिर्फ दिखावा है, ये कार्य कस्ते दिल वाले लोग ही करते हैं जो बिल्कुल बेकार है। पवित्र मन से किया गया भक्ति ही हमें भगवान तक पहुंचाता है। कनक कनक ते सोगुनी यही पाए बुराई। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा दशक से लिया गया है। संदर्भ यहाँ कवि ने धन के मद का वर्णन किया है और धतुरे से उसके 100 गुनी ज़्यादा मादकता के बारे में भी बताया है। व्याख्या कवि का कहना है कि कनक की अपेक्षा कनक सोना धन संपत्ति में 100 गुनी अधिक मादकता होती है और धन संपत्ति से मनुष्य का अहंकार भी बढ़ जाता है। धतुरे खाने पर लोग बावला यानी पागल बन जाते हैं, लेकिन स्वर्ण या संपत्ति की प्राप्ति से लोग अहंकारी बन जाते हैं। इसलिए कवि का कहना है कि सोने में धतुरे से अधिक मादकता होती है। ओछे बरे न खरी सके हारे निहारे ने। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा दशक से लिया गया है। संदर्भ इस दोहे में कवि ने कहा है कि छोटा या निकृष्ट व्यक्ति कभी बड़ा अर्थात महान नहीं बन सकता। कवि का कहना है कि छोटा अर्थात नीच स्वभाव वाला व्यक्ति कभी बड़ा अर्थात महान नहीं हो सकता, क्योंकि लाख प्रयत्न करने पर भी आकाश की सीमा का विस्तार नहीं किया जा सकता है। आँखों को भले ही फाड़ कर देखा जाए, परंतु वे कभी भी अपने स्वाभाविक आकार से बड़ी नहीं हो पाती। उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति महान नहीं बन सकता। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान संधि विकसित करो। देहावसान देह योग अवसान लोकोक्ति लोक योग उक्ति उज्ज्वल उत योग जल सज्जन सत योग जन दुर्जन दुह योग जन विलोम शब्द लिखो अनुराग वीरा पाप पुण्य गुण दोष प्रेम घृणा सज्जन दुर्जन मित्र शत्रु गगन पाताल लिख सकते हो श्रेष्ठ निकृष्ट। निम्नलिखित दोहों को खरी बोली मानक हिंदी गद्य में लिखो। मित न नित गलित हुए जो धरिए धन जोड़ी खाए घर से जो जुड़े तो जोड़िए कड़ोरी। न ए विश्वसीय लखी नए दुर्जन दुसह सुभाए आते पर प्राणन हरे काटे लो लगे पर। एक दुर्दशा ग्रस्त होने पर भी मित्र की कोई नीति नहीं होता है। जिस तरह धन की संचय धन को संचय करके रखा जाता है, खाने और खर्च करने के बाद अगर बच जाए तो करोड़ों की संख्या में संचय करना चाहिए। दो नम्र होते हुए देखकर भी दुर्जन पर विश्वास नहीं कीजिए,
क्योंकि अवसर मिलने पर वे कांटे की तरह सूखकर प्राणों का हरण करते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो। सच्चाई सत यानी सात, सही सो का समाहार देखो समास। गोपीनाथ गोपियों का नाथ, संबंध तत्पुरुष और तुम लोग षष्ठी तत्पुरुष भी लिख सकते हो। गुण ओगुण गुण और ओगुण। द्वंद्व समास काव्य रसिक काव्यों में रसिक, कर्णधारय समास आजीवन जीवन भर अप्रयभाव समास। अंतर बताए रखते हुए निम्नलिखित शब्द जोड़ों के अर्थ बताओ। कनक सोना कनक धतुरा, हार माला हार पराजय, स्नेह प्यार स्नेह प्रेम। हल जवाब हल खेत जोतने वाला यंत्र। कल आने वाला दिन कल बीता हुआ दिन। और लिख सकते हो मधुर ध्वनि। विद्यार्थियों इतने में ही तुम लोगों के इस पाठ के यानी कि इस पद्य के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आगे की प्रश्नोत्तर लेकर मैं तुम लोगों के बीच फिर आऊँगी। धन्यवाद।